241 किलोमीटर उधमपुर 60 किलोमीटर कटरा 45 किलोमीटर ये है नगरोटा। तो बस निकल रहे हैं हम और इस तरफ आज लग रहा है गाड़ी में ही गाड़ी से निकलना ही नहीं पड़ेगा आज ऐसे ही गाड़ी में बैठ के तो सो के सीधा ही आए हैं बेड भी उड़ाने के लिए निकलना पड़ता है निकलेंगे ऐसे इतनी बारिश में हम खड़े हुए हैं उधमपुर में मामा जी के कुलचा माता जी इन्होंने 10-15 से पीछे रुके हुए हैं अब भी देखो टोल काटेंगे खाली गवर्नमेंट बोलती है करती कुछ नहीं है इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। क्रॉस कर रहे हैं अभी हम गाड़ी को क्रॉस कर लिया बारिश और ज़्यादा तेज हो गई है जाना कल सुबह सुबह निकल आना 5 बजे ठीक है आइए वेट कर रहा सामान आ गया थोड़ा सा था। चलो जा रहे इसके पीछे जाना पड़ रहा है हमें सामने वाला जो आपको दिख रहा होगा उसको हम क्या बोलते हैं सिद्रा ले जाओ आप अभी इतना अच्छा भी हुआ है तो पोपट हो गया मम्मा पोपट हो गया 241 किलोमीटर उधमपुर 60 किलोमीटर कटरा 45 किलोमीटर ये है नगरोटा। तो बस निकल रहे हैं हम आगे की तरफ और बिल्लो को भूख लगेगी थोड़ी देर में आप बिल्लो का वेट करेंगे हाँ हमें पता पूरा उठाई जब गाड़ी चलती है तब कब भूख लगेगी वो भी पता गाड़ी नहीं है ये देखिए ये लड़की बहुत ही अच्छा लड़की है ये क्या है ये हमें घर में नहीं बैठने देती है आप देखो 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 ट्रक में से दीदी बनाओगे 34 34 15 से फ्रेंडशिप करती है 34 15 से तो जी मौसम देखो कितना सुहाना हो गया हाँ 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 पीछे धूप थी अब आगे देखो हाँ लग रहा है कि ऊपर बारिश वगैरह ना हो तो बारिश हो रही है तो कैंपिंग की तो बात बाद में नहीं हमने तो कोई कपड़ा भी नहीं लाया गर्म वाला पहले मैं जैकेट डाल दो हाँ जैकेट भी डाली मैं पसोली गया तो जैकेट डाल के गया मिट्टी को कुछ ज्यादा गर्मी लग रही थी इसलिए वो बैठ के मैंने मुझे पत्ती डाल दे चलो अब उधर ठंड लगेगी तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है इसको ठंड लगे और कौन लेके जाएगा हमारी क्या तुमने बोला मुझे ठंड नहीं लगनी गर्मी नहीं लगनी चाहिए तो अब ठंड के लिए थोड़ी ना बोला तुमने क्या बैठा मुझे ठंड नहीं लगनी चाहिए देखिए लड़की वो देखिए इसका कहाँ चुगे वाला मौसम विभाग वालों ने हमारे साथ वो क्या बोलते हैं धोखा किया है बारिश होगी स्टार्ट अब कैंपिंग देखो क्या होती है मैंने कोई इंद्रदेव को बोला कि आप बारिश करो बारिश मैं फिर गोवर्धन वाला सीन कर दूंगी मैं गाड़ी उठा लूंगी मैं मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है ये सारा पापा का प्लान था नहीं पापा ने बोला था कि हम जाएंगे पट्टी को बारिश देखो क्या झन्नाटेदार बारिश हो रही है बहुत ही भयंकर बारिश हो रही है कैंपिंग का क्या बताओ देखो अच्छा इतने देखो तेज चल रहा है फुल स्पीड में छोड़ दिया
क्या बात है क्या। देखो मैडम अपनी मस्त बनाने के लिए आज लग रहा है गाड़ी में ही गाड़ी से निकलना ही नहीं पड़ेगा। आज ऐसे ही गाड़ी में बैठ के तो सो के सीधे ही आए ना। बेड भी उड़ाने के लिए निकलना पड़ता है। निकलेंगे ऐसे इतनी बारिश में? निकलना ही नहीं है। टेंट भी पीछे नहीं होगा? नहीं टेंट तो वाटर प्रूफ है बट पीछे कैसे करेंगे? इतनी बारिश में मेरे को लगता है वो भी वाटर प्रूफ छोड़ गया होगा बेचारा। इतनी बारिश में वो भी कर देगा साथ हमारा। फ्लाटा आ गया फ्लाटा। क्या बात। चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तब तक के लिए बने रहो। अच्छी लग रही हो तो बारिश हमारी कैंपिंग की हालत खराब हो जाएगी। बाकी कोई चिंता नहीं है। बारिश आपको अच्छी लगती है इस मौसम में तो बहुत बढ़िया है। मौसम अच्छा हो गया। ये नहीं कि मौसम अच्छा नहीं है, अच्छा हो गया बट हमने हम ऐसे प्रिपरेशन करके नहीं आए थे। कपड़े भी मसौली गया था ना एक्चुअली वहाँ पे गर्मी थी। जैकेट लेके गया था मैंने सोचा इधर भी अब गर्मी हो गई होगी। 42 डिग्री टेम्परेचर जम्मू का था तो यहाँ पे तो बारिश अभी उधमपुर में पहुँचे हैं। पत्नीटॉप तो इधर से फिर भी 40 किलोमीटर आ गया। क्या बनेगा चलो जो बनेगा देखते हैं। आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। अब कल के लिए अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो बने रहो। लो जी अभी हो रही है बारिश। बारिश हो गई है अच्छी खासी। गाड़ी लगा दी बिल्लों को साइड पे लगा दिया। इस समय हम खड़े हुए हैं उधमपुर में है मामा जी के कुलचा मशहूर कुलचे में। बस अभी हम खाने लगे हैं कि कुलचा के लिए ऑर्डर दे दिया हमने। न्यूट्री काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में डाल के रखते हैं। साथ में कलाड़ी कुलचा वगैरह मिल जाएगा आपको इधर। इसको मैडम को लगी थी भूख थोड़े हमने लगा ली ब्रेक कि पत्नीटॉप में पता नहीं क्या सीन बन रहा है क्या नहीं कैंपिंग होगी कि नहीं होगी। तो पहले हम भूख के थोड़ी पेट पूजा कर लें फिर बाकी काम करते हैं दूसरा। तो ये आ गया जी मीठे के लिए कुलचा और हमारे लिए बन रहा है। मैडम देख रही है कलाड़ी कुलचा खिलाएंगे मैडम को भी। अभी इसका टेस्ट करते हैं पहले कैसा है फिर बाकी बाद में बताते हैं आपको। नहीं लो जी हमारे पास अभी आया है मामा जी का मशहूर कुलचा जो भी उधमपुर यस बैंक के बिल्कुल सामने है। तो मैडम जी कैसा है? वर्थित वर्थित गर्म में बहुत। अभी आपको खा के बताता हूँ कैसा है कुलचा। बढ़िया फ्लेवर आ रहा है हर चीज़ का। मिर्ची भी कम है नमक भी ठीक है। ठीक है ऊपर से प्याज वगैरह डालेंगे तो फ्लेवर बढ़ के आ रहा है। मक्खन का भी अच्छा टेस्ट आ रहा है बहुत ही अच्छा है। खाते हैं। अजय मैडम जी कैसा लगा? और खाए बस कलाड़ी वाला नहीं। अच्छा तो जी खा लिया कुलचा हमने। बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा था टेस्ट था। रिकमेंडेड है आप भी आके खा सकते हो। बिल्कुल ये सामने आपको मिलेगा यस बैंक के बिल्कुल अपोजिट मिलेगी मामे की शॉप। तो बस बिल्लू भी खड़ी है बेचारी चले फिर। लो जी जो आपको कुलचा मिलेगा वो 30-20 रुपये का कुलचा है बहुत ही अच्छा है। तो दूर दूर से देखो बारिश में भी लोग आ रहे हैं खाने के लिए। काफ़ी सारे लोग आते हैं। शाम को 5-6 बजे तक कुलचा हो जाता है ख़त्म। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। बारिश हो रही है बारिश में चल रहे हैं है? बस बिल्लों की तरफ बढ़ रहे हैं। बारिश ने आए कर दिया काम खराब। सामने था मामा जी का कुलचा। मामा का कुलचा खा के अच्छा लगा थोड़ा सा। थोड़ी सी भूख शांत हो गई। बाकी चलते हैं हम आगे देखते हैं अगला कहाँ का ट्रिप होता है। दोबारा आपका स्वागत है। अब हम चल रहे हैं उधमपुर के दर्शन करने के लिए इस्कॉन टेम्पल। इस लड़के को इस्कॉन टेम्पल जाना था। अब जा रहे हैं हम इस्कॉन कैरी ऑन लो जी। उधमपुर में हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल। ये भी है टेम्पल का और मिट्टी के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है ना।
इधर तो ले आया ना मैं। लो जी अभी पहुंचे हम इस्कॉन टेंपल जो कि उधमपुर में स्थित है शीला प्रभु जी के स्थान पे। तो ये देखो खूबसूरत सा मंदिर और साथ में ही इनका व्यवस्थित रहने के लिए क्वार्टर्स वगैरह बनाए हुए हैं। अभी हम बढ़ रहे हैं इस्कॉन टेंपल की तरफ। लगता है आरती हो गई है, आरती संपूर्ण हो गई और जो क्राउड अच्छा खासा है। हो गई आरती ना खत्म ही जा रही है। कृष्ण अपने सपनों के साथ कर लिए दर्शन दर्शन। अब हम चल रहे हैं घर की तरफ। आज तो पापा ने भी तिलक लगा दिया। हाँ आज तो मेरे को भी तिलक लगवा दिया इसने, तो बस अब चलते हैं। इसको भी लगाया हुआ है तिलक, अच्छी लग रही है। ठीक है मस्ती।
है।